स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड स्थित श्री स्वयं सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ एवं कलश स्थापना को लेकर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन मंगलवार से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत आज बुधवार को बस स्टैंड स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ की गई, जो कि मुख्य मार्गों से होती हुई बारादरी के समीप स्थित बालाजी मंदिर से कलश भरकर पुणे बस स्टैंड स्थित मंदिर पर कलश यात्रा का समापन किया गया। आयोजन समिति के सदस्य रमेश लखेरा ने बताया कि श्री स्वयं सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ मुक्षक राज एवं कलश स्थापना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बुधवार को स्थानीय देवता की पूजा कर 9 बजे कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 21 कलश महिलाओं ने शिरोधार्य कर रखे थे। कलश यात्रा बैंड बाजों और ढोल के साथ सिद्धि विनायक मंदिर से प्रारंभ हुई और पुनः मंदिर पर ही समाप्त की गई। इसके बाद दोपहर 2 बजे से हवन एवं अभिषेक व रात्रि में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के अंतिम दिन गुरुवार को रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ मुक्षक राज एवं कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित होगा एवं प्रातः 6 बजे से स्थापना महोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा, हवन पूर्णाहुति, महाआरती व दोपहर 2 बजे के बाद भंडारा प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। गणेश की जय। जी आज किस तरह का कार्यक्रम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? आज ये प्राइवेट बस स्टैंड पर स्वयं सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि और कलश यात्रा प्रारंभ होगी। बस स्टैंड से प्रारंभ होकर वरा चौक, घंटाघर, इधर से पूरे बाजार में जो मुख्य मार्ग है उन पर भ्रमण करती हुई मुख्य अपने स्थान स्वयं सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर आएगी। उसके बाद हवन का कार्यक्रम रहेगा, 2 बजे हवन का रहेगा, हवन में आहुतियाँ लगेगी। उसके बाद फिर सुंदरकांड का संगीतमय प्रसारण होगा, इसमें सभी संगीतमय सुंदरकांड होगा, जिसमें देश की ये अपने नगर की सारी जनता लाभ लेगी। कलश यात्रा में कितने कलश की यात्रा निकाली जा रही है? हाँ, कलश यात्रा कितने कलश 21 कलश की यात्रा निकाली जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र।